हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता है कि मैम मैथ्स के अलावा भी हम और सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, तो प्लीज आप प्लेलिस्ट पे जाकर चेक करिए। आप क्लास 12th का अकाउंट्स आपको पूरा मिलेगा, बीएसटी पूरी मिलेगी, बिजनेस स्टडीज पूरी मिलेगी, इकोनॉमिक्स मैक्रो का चैप्टर 8 तक आपके पास अपलोड हो चुका है। तो प्लीज आप अगर कॉमर्स के बाकी सब्जेक्ट्स भी रेफर करना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। आपको प्लेलिस्ट में हर चीज बहुत सॉर्टेड फॉर्म में मिलेगी। और अब कुछ चैप्टर्स मैथ्स के भी ऐसे हैं जो हम लोग रीलोड कर रहे हैं, जो खास तौर पर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम रही है, चाहे वो क्वालिटी के इश्यूज रहे हैं या क्वेश्चन में कोई इश्यू रहा है। तो कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को कम से कम प्रॉब्लम हो। और दिल से थैंक यू उन लोगों का जो लगातार कमेंट बॉक्स में आकर हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0.ई, इंटरसेक्शन भी आपको गिवन है। तो आपको पता है कि ये कंसेप्ट आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। प्लीज अगर आपने कंसेप्ट देखना है तो आप इससे पहले जो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है उसे जरूर जाके चेक करिए और उसके बाद ही एक्सरसाइज को देखिए। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ कैसे निकलती है, इसका मतलब क्या है कि एफ इवेंट आपके पास गिवन है, यानी ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है और आपको ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो क्या करा जाता है, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में जो गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसी तरीके से जब एफ बाय ई होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा। नाउ ई इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन ई एक ही बात है, तो यहां आ गया 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है हमारे पास, ये देखिए 0.3। अब इसका डेसिमल हम हटाएंगे तो यहां पर 0 आ जाएगा, यहां डेसिमल हटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो 20/30 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3, राइट। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जो कि नीचे है गिवन है जो पोर्शन। तो एफ इंटरसेक्शन ई या ई इंटरसेक्शन एफ ए की बात है, 0.2 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास ऑलरेडी है 0.6, सिमिलर तरीके से इसका डेसिमल हटाया ये 0, इसका डेसिमल हटाया ये 0, 2/6 सिंप्लीफाइड फॉर्म, उसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3। तो यहां पर तो आपके पास सिर्फ फॉर्मूले की एप्लीकेशन आपको सिखाई गई है। और अगर डियर आप इससे पहले की वीडियो देख लेते हैं तो आप काफी हद तक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, जहां आपको थोड़ी प्रॉब्लम आई, जहां आपको समझने में जरा सा भी डाउट आया, उसको रेफर करने के लिए आप ये वीडियो चेक कर सकते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है, इंटरसेक्शन दे रखा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो कि डिनोमिनेटर में होता है, राइट। तो इंटरसेक्शन आपको 0.32 दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दे रखी है। बिल्कुल सेम तरीके से आप इसका डेसिमल हटाएंगे तो 1/0, इसका डेसिमल उड़ाएंगे तो 2/0, राइट। 1/0 से 1/0 हमने कट कर दी, 30/52 को सिंप्लीफाई कर लीजिए 2 के टेबल से, तो ये आ जाएगा 16/25। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, सिंपल, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है, ये सारी आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन है और आपको तीन पार्ट निकालने को कहे हैं। सबसे पहले इंटरसेक्शन ही मिसिंग है और आपके पास गिवन देखिए, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी गिवन है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए अगर आपको गिवन है तो फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी, एक ही बात होती है, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। नाउ हमारे पास ये ऑलरेडी गिवन है तो 0.4 हमने यहां पुट कर दिया। इंटरसेक्शन हमें नहीं गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन है 0.8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.4 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.32 आपके पास आ जाएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, बस अब तो बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है तो फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग इसमें, क्या फॉर्मूला लगेगा भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इंटरसेक्शन अभी हमने निकाला है फर्स्ट पार्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्वेश्चन में गिवन था, सॉल्व कर लीजिए आपके पास 0.64 आंसर आ जाएगा। देखिए हमने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, आप प्रोबेबिलिटी को फ्रैक्शन में सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी रख सकते हैं, डेसिमल में भी रख सकते हैं और परसेंटेज में भी रख सकते हैं, तीनों करेक्ट ऑप्शन है, राइट। इसके बाद यूनियन निकालने को कहा है थर्ड पार्ट में, तो आपको अगर याद हो तो हमने इंट्रोडक्शन में ये फॉर्मूला भी बताया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये भी गिवन है, ये भी गिवन है और ये हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला है, सॉल्व कर लीजिए, राइट। और देखिए डियर, कईयों को इसको सॉल्व करने में दिक्कत आती है, इसमें शर्माने की बात नहीं है, कई लोगों के साथ है प्रॉब्लम। तो 0.8 और 0.5
तो देखिए कितना हो जाएगा 3, और जो यहाँ पर है ये आ जाएगा 1.3। फिर आपने 1.3 में से देखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, तो आपने ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर आप लगा दीजिएगा 0, और अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 8। यहाँ पर आपके पास 2 रह गया था, अब ये आपके पास आ गया, तो ये आपके पास रह जाएगा 9। तो 0.98 इज द आंसर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इवैल्यूएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अगर आपको ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/13 दे रखा है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपको दे रखा है ये 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 तीनों इक्वल है, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 5/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा, ये जो 2/1 है वहां जाकर कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो 5/13 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/26 ये आ गई आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो 5/13 दे ही रखी थी। फिर हमारे पास क्या दे रखा था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका लगा दें कि हम लोग फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का, देखिए इंटरसेक्शन अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी थी, किसकी वैल्यू है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी की, ये आपको 2/5 ऑलरेडी गिवन थी। तो हमने यहां फॉर्मूला लगाया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 5/13, और ये गिवन था, ये वहां जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एज इट इज मल्टीप्लाई होगा, रेसिप्रोकल नहीं, ये मल्टीप्लाई हो गया इससे 5/13। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई 2/13। चलिए आपको निकालना क्या था, आपको यूनियन निकालना था, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, और इंटरसेक्शन अभी अभी हमने निकाल लिया 2/13, तो उसे पुट कर दीजिए, आप सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा यूनियन का, दैट इज 11/26, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आपको गिवन है, यूनियन भी गिवन है, इंटरसेक्शन निकालने को कहा, ऐसा सा क्वेश्चन हमने पहले भी करा ऑलरेडी, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है आपको, यूनियन गिवन है, तो जो गिवन है उसका फॉर्मूला स्टार्ट कर दीजिए, जो भी गिवन हो, जैसे इससे पहले हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन थी उसका फॉर्मूला लगा दिया, तो यूनियन का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन, राइट। यूनियन की वैल्यू आपको गिवन है 7/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन है 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन है 5/11, नाउ इंटरसेक्शन, राइट। तो ऐसे केस में अब ये इधर आ जाएगा, इंटरसेक्शन आपके पास यहां आ जाएगा, तो आपके पास सॉल्व करके आ गया 4/11। तो आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, दैट इज इंटरसेक्शन, पहला पार्ट कंप्लीट। बस अब आप ये बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए आपको इंटरसेक्शन जरूरी चाहिए होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे आ जाएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी कैसे आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इंटरसेक्शन अभी अभी हमने निकाला है, ये तो आपको ऑलरेडी गिवन था, रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 4/5, राइट। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी एक ही बात है, 4/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वेश्चन में गिवन है, तो 11 से 11 कट गया, 4/6, जिसको सिंप्लीफाई कर आप लिख सकते हैं 2/3, राइट। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप बात करेंगे स्टार्टिंग के जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन है वो मुश्किल नहीं है आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड, अब आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन है जिसमें आपने खुद प्रोबेबिलिटीज निकालनी, क्योंकि अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी गिवन होता था, या इंटरसेक्शन निकालने को देता था, या यूनियन निकालने को दे देता था। अब इवेंट्स गिवन है और आपको प्रोबेबिलिटी भी खुद निकालनी है, और 6 ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालना है आपको, राइट। चलिए, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times, तो सबसे पहले हमें इसका सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। तो आपको पता है कि अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस करा जाता है तो उसके कितने आउटकम्स होंगे, फेस कितने होते हैं कॉइन के, 2, तो उसको 3 बार टॉस करा है तो पावर 3, यानी 2 × 2 × 2 आपके पास 8 आउटकम्स बन जाएंगे। अब हम ये बनाते कैसे हैं 8 आउटकम्स, जितने भी आउटकम्स आपके पास आ रहे हैं उसका हाफ, 4 बार हेड 4 बार टेल, राइट, 4 बार हेड 4 बार टेल, अगर आपने 8 आउटकम्स बनाए हैं तो उसका आधा करो, 4 बार हेड 4 बार टेल, 4 का आधा 2, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 का आधा 1, 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल, तो ये आपके पास वो 8 आउटकम्स बनकर तैयार हो गए जो एक कॉइन को 3 बार टॉस करने पर आते हैं। तो इसे सैंपल स्पेस में लिख दीजिएगा, ये देखिए हमने सैंपल स्पेस लिख दिया आपके पास,
ठीक है जी, 8 आउटकम्स जो आपके पास है। अब उसने क्या बोला ई इवेंट फर्स्ट पार्ट में, हेड ऑन द थर्ड टॉस, हेड ऑन द थर्ड टॉस, तो दिस इज योर थर्ड टॉस, हेड ऑन द थर्ड टॉस। ये देखिए कितने इवेंट्स हैं आपके पास, 4, तो 4/8 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। हेड ऑन द फर्स्ट टू टॉसेस, हेड ऑन द फर्स्ट टू टॉसेस, तो ये हो गया, ये हो गया आपके पास, दैट्स इट। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने क्या लिखा, ये देखिए ये 4/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, दैट इज 2/8। ठीक है, फिर कॉमन ढूंढिए ई और एफ में कॉमन, तो अगर हम कॉमन देख रहे हैं तो ये वाला पोर्शन कॉमन आ गया आपके पास, तो कितना कॉमन आ गया, 1/8। तो आपने तीनों इवेंट्स निकाल लिए, आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालिए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो इंटरसेक्शन 1/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 2/8, तो आपका सॉल्व करके कितना आंसर आ गया, 1/2। अब सेकेंड इवेंट की बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट की, तो उसमें कहा एटलीस्ट टू हेड्स, कम से कम एक हेड, मतलब जिसमें एक हेड है वो भी ले लो, जिसमें दो हेड है वो भी ले लो, एटलीस्ट टू हेड्स, कम से कम दो हेड, तो जिसमें दो हेड है वो भी ले लो, जिसमें तीन हेड है वो भी ले लो, जिसमें दो हेड है वो, जिसमें तीन हेड है वो ले लो। तो हमने यहां पर सैंपल स्पेस में से देखिए, जिसमें से दो और तीन हेड थे वो ले लिए यहां पर, ठीक है जी। एफ इवेंट में क्या कहा गया, एटमोस्ट टू हेड्स, एटमोस्ट टू हेड्स का मतलब ज्यादा से ज्यादा दो हेड, मतलब जिसमें दो हेड हो वो, एक हेड जीरो हेड, जब एटलीस्ट बोले तो उससे ऊपर जाना है, एटमोस्ट बोले तो जीरो तक आ जाओ, तो एटमोस्ट टू हेड का मतलब दो हेड है वो भी ले लो, एक हेड है वो भी ले लो इसमें से, और जीरो हेड है वो भी ले लो। तो यहां पर आपके पास सारे आउटकम्स आ गए सिर्फ एक को छोड़कर, थ्री हेड वाला, राइट, क्योंकि एफ इवेंट क्या कह रहा है, ज्यादा से ज्यादा दो हेड, तो दो हेड वाला भी, एक हेड वाला भी, और जीरो हेड वाला भी, सारे आउटकम्स हमने ले लिए, सिर्फ एक नहीं आया, थ्री हेड वाला। फिर आपने ई इवेंट ले लिया, एफ इवेंट ले लिया, अब इनमें कॉमन देख लीजिए कौन कौन से आ रहे हैं, तो ये तीन कॉमन आ रहे हैं बस। इसके बाद आप प्रोबेबिलिटीज बना लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 4/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 7/8, इंटरसेक्शन 3/8, राइट। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो इसकी वैल्यू अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ रखा हमने, ये आपका सॉल्व करके आ गया 3/7, राइट। बिल्कुल सिमिलरली थर्ड पार्ट है डियर, वो भी आप कर सकते हैं, बट स्टिल हमने आपको करके दिखाया, एटमोस्ट टू टेल्स, यानी ज्यादा से ज्यादा दो टेल, तो दो टेल, एक टेल, जीरो टेल, सारे आउटकम्स आ जाएंगे, दो टेल, एक टेल, जीरो टेल, एटमोस्ट में नीचे तक आइए, जीरो, एटलीस्ट में ऊपर जाना है, तो टू टेल, वन टेल, जीरो टेल, इसका मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं आएगा, विच इज थ्री टेल वाला, राइट, बाकी सारे ऑप्शन आपके पास आ गए, बाकी देखिए आप सारे ऑप्शन हम लोगों ने ले लिए, राइट। एफ इवेंट में हमें क्या कहा गया है, एफ इवेंट में हमें कहा गया है एटलीस्ट वन टेल। अब एटलीस्ट वन टेल का क्या मतलब हुआ, एक टेल, दो टेल, तीन टेल, ये तीनों ले लो, जिसमें एक टेल है, दो टेल है, तीन टेल है, इसका मतलब जीरो टेल वाला नहीं लेना, बाकी सारे लेने हैं, तो जीरो टेल वाला कौन सा ऑप्शन हुआ, ट्रिपल हेड, बाकी सारे ले लिए हमने। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढ लीजिए कौन कौन से कॉमन है, तो कॉमन आ गए हमारे पास ये 6 आउटकम्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हो गई, 7/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी हो गई, 7/8, इंटरसेक्शन अगर देखा तो 6/8, हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो इंटरसेक्शन 6/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 7/8, सॉल्व करके आपके पास आंसर आ गया 6/7, राइट। चलिए, वैसे तो डियर आप खुद भी ये ट्राई कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, टू कॉइन्स आर टॉस्ड। अब अगर दो कॉइन टॉस होते हैं तो टू फेसेस होते हैं उसकी पावर 2, कितने आउटकम्स हो गए डियर, 4, 4 का हाफ कितना होता है 2, तो 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 का आधा, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, तो ये 4 आउटकम्स आपके पास सैंपल स्पेस में बन जाएंगे, ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा है टेल अपेयर ऑन 1 कॉइन, एक ही कॉइन पर टेल हो, तो एच टी और टी एच आ गया, 1 कॉइन शोज हेड, एक कॉइन पे हेड हो, बात वही है, उस बात को अलग तरीके से लिखा हुआ है, टेल अपेयर ऑन 1 कॉइन, एक ही कॉइन पर टेल होना चाहिए, दोनों कॉइन पर टेल नहीं होना चाहिए, तो एच टी और टी एच आ गया, राइट। 1 कॉइन शोज हेड, एक कॉइन पे कम से कम हेड होना चाहिए, तो हेड टी और टी एच आ गया आपके पास। इंटरसेक्शन ढूंढा तो दोनों ही इंटरसेक्शन आ गए, क्या निकालना है आपने सेवंथ क्वेश्चन में भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गई 2/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 2/4, इंटरसेक्शन 2/4, क्या निकालना है आपने, ई इंटरसेक्ट ई बाय एफ, दैट इज ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इंटरसेक्शन की वैल्यू 2/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज ऑल्सो 2/4, तो प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना आ गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का 1, राइट। चलिए सेकेंड पार्ट में कहा है नो टेल, तो आपके पास क्या आउटकम होगा, ये वाला, दैट इज 1/4,
नो हेड, इसका मतलब ये वाला आउटकम 1/4। और अगर मैं ई और एफ में इंटरसेक्शन की बात करूं, देखिए आपने यहां पर आउटकम कौन सा लिया, ये वाला, और यहां पर आपने आउटकम लिया ये वाला, क्या इसमें कुछ कॉमन है? नहीं। इसका मतलब इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन इज जीरो। आपको क्या निकालना है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इंटरसेक्शन जीरो तो प्रोबेबिलिटी का आंसर भी जीरो। क्यों? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास क्या है? जीरो। अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपको पता है 1/4, तो आंसर आपका कितना आ गया? जीरो। राइट, चलिए, जीरो अपॉन समथिंग इज ऑलवेज जीरो। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8। अ डाई इज थ्रो 3 times। एक डाई को आपने 3 टॉस करा। एग्जाम्पल भी अगर आपने देखे होंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद आ जाएगा कि मैम वो 216 आउटकम्स नहीं बनाती हैं। तो हमें पता है कि डाई का फेस होते हैं 6 और आपने उसे 3 थ्रो किया है, तो 6 × 6 × 6 हमारे पास 216 आउटकम्स बनेंगे जिसे हम सैंपल स्पेस में लिस्ट आउट नहीं कर सकते। उसको समझने के लिए मैं क्या करती हूं, मैं वो 36 आउटकम्स बना लेती हूं जो 2 के होते हैं। इसी से मुझे आइडिया मिल जाता है हम 216 आउटकम्स का। कैसे? मुझे पता है कि इस एक आउटकम के साथ 6 जुड़ेंगे, यानी 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6। 6 आउटकम जुड़ गए इसके साथ। सेम 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5, यानी ये जितने भी इवेंट्स हैं इनके साथ वो 1 2 3 4 5 6 जुड़ जाएगा और 216 आउटकम्स बन जाएंगे। राइट, इसी के बेस पर मैं अपने आप आंसर दे लूंगी इन इवेंट्स का। देखिए, 4 अपेयर ऑन द थर्ड टॉस। 4 जो है वो थर्ड टॉस पे आना चाहिए। देखिए, दिस इज योर फर्स्ट टॉस, दिस इज योर सेकंड टॉस। तो एक बात बताइए, इसमें 1 1 4 आया होगा, बिल्कुल 1 2 4 1 3 4 1 4 4 1 5 4 1 6 4, यानी इन सभी आउटकम के साथ थर्ड नंबर पे 4 आ सकता है। राइट, क्योंकि देखिए इसमें 6 आउटकम्स आने हैं इसके साथ, 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6। सेम इसके साथ। तो अगर मैं बात करूं इन सबके साथ थर्ड थ्रो में क्या आ सकता है, 4 आ सकता है। तो कितने आउटकम्स हो गए थर्ड थ्रो में 4 वाले? 36 आउट ऑफ 216। क्लियर? ये सैंपल स्पेस हमने इसका नहीं बनाया, ये सैंपल स्पेस हमने अपने आपको समझाने के लिए बनाया है। राइट, चलिए, 6 and 5 अपेयर ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। तो 6 और 5 फर्स्ट 2 टॉसेस पे आना चाहिए, बट थर्ड टॉस पे क्या होना चाहिए वो उसने नहीं बताया। तो फिर तो क्या हो सकता है, 6 5 1 भी हो सकता है, 6 5 2 भी हो सकता है, 6 5 3 भी हो सकता है, 6 5 4 भी हो सकता है, 6 5 5, 6 5 6, यानी इसके साथ कितने जुड़े हुए आउटकम हो गए? 6 आउट ऑफ 216। अब बात आती है कॉमन की, तो इन दोनों स्टेटमेंट को जरा साथ में पढ़ो। 4 अपेयर ऑन द थर्ड टॉस, 6 और 5 अपेयर ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। तो ऐसा आउटकम क्या हुआ? बहुत स्पेसिफिक आउटकम है ये, 6 5 4, यानी फर्स्ट टॉस सेकंड टॉस थर्ड टॉस पे क्लियर आउटकम है। तो ऐसे आउटकम कितना हो सकता है? सिर्फ 1, यानी 1 upon 216। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालने को, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन 1 upon 216, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 6 upon 216, ये इससे कट गया, आपके पास आंसर आ गया 1/6। आई होप आपको ये जो भी क्वेश्चन हमने करे आप लोगों को समझ में आएंगे। जल्दी हम इसका दूसरा पार्ट लाएंगे। आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विवा क्लासेस।